वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लगा रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उस प्रश्नों को उठा रहे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रायः ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रश्न यहीं से आएंगे, लेकिन हाँ ज़्यादातर प्रश्न आपको मिलेंगे और इसी तरह के मिलेंगे। इनको अगर आपने लगा लिए तो आपको जाहिर तौर पर जाहिर सी बात है आपको बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन शुरू करने से पहले हमको आपको बता दें कि यदि आप कोई भी कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमारा प्रश्न है कि सबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधन की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति दे देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। भाई अगर पेट्रोल डीजल यानी कि जो खनिज ईंधन है उसको बचाने की बात हो रही है तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है। विकल्प है कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल और अंतिम में है मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। अब यहाँ पे आप ये चीज़ समझिएगा कि बचत की बात हो रही है तो क्या आएगा। देखिए कार हो गया, बस हो गया और मोटरसाइकिल, तो इसमें तो ईंधन बचने वाला नहीं। साइकिल और मेट्रो रेल में जाहिर से बचेगा क्योंकि मेट्रो जो रेल होती है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और साइकिल जो होती है किसी जैव ईंधन पर आधारित नहीं होती। ठीक, आगे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। ठीक है, पौधे से कोई भी सामग्री नहीं ली गई है, उनमें से चुनना है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। विकल्प है कि शहद, कटहल, मीट, ठीक है, दूध, अंडे व भुट्टा, सरसों, मछली व मांस, दूध, शहद व अंडे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कटहल हो गया, ठीक है, भुट्टा हो गया, सरसों हो गई, तो अंतिम विकल्प ही केवल ऐसा बचता है जिस पे कोई भी आपका प्लांट बेस्ड फूड नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। ये सरल था, इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 अगर देखें तो एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है। बहुत बेसिक प्रश्न है। मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हाड़ी, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, अंगूठी, ठीक है, अंगूठी, आरी, चूड़ी, कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। देखिए जो लोहार है लोहे का काम करता है बड़ी, तो ब्लैक स्मिथ आप देखें तो खुरपी, आरी, ठीक, कुल्हाड़ी, ये अपने आप बहुत सरल है। इस तरह के भी प्रश्न आपको मिलते हैं, थोड़े से आज के मिक्स क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है कि एक माँ को अपने बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है, तो वह क्या चुनेगी। ठीक है, निम्न में से क्या चुनेगी, बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, ठीक है, इसी में से एक ग्रुप चुनना है जो यहाँ पे खेल दिए गए हैं, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू, ठीक, और छुपन छुपाई, स्टापू, ईंट। अब यहाँ पे आप देखें तो खेल जो चुनने हैं उसमें से जो कहीं जाना ना पड़े उसमें ये बात है, तो कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश ये बैठ के खेले जाते हैं। ठीक है, बैडमिंटन बैठ के नहीं खेले जाएंगे, टेनिस बैठ के नहीं खेला जाएगा और ये छुपन छुपाई भी बैठ के नहीं खेला जाएगा। बस आपको क्या हटाना है ये पता रहे तो आपका प्रश्न कैसा भी रहे आराम से सरल होता चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमने कई बार किए हैं और बार बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हमने अरब सागर पे कौन से राज्य हैं, बंगाल की खाड़ी पे कौन से राज्य हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो अभी फिर एक तरह का प्रश्न है, इसमें विकल्प मैं बता दे रहा हूँ, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। देखिए अब अरब सागर की बात आ रही तो भारत का जैसे अगर आप मैप देखें यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई, ये आपका अरेबियन सी हो गया ना, तो इसी में पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तमिलनाडु आया था, उसके बाद केरल आया था, फिर यहाँ पे गुजरात आया था, ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे और अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हो, मतलब ये बता रहे हैं पीढ़ी में अंतर की बात करें, तो अगली पीढ़ी में मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा जो है
प्रेक्षण था, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका साइंस का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ग्रेगर मेंडल के बारे में आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा उस चीज के बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे शांति का माहौल मिले, थोड़ा सा कई बार उस शांति दुर्लभ हो जाती है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ विकल्प को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा साइंस से बेस्ड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। सब पहले आप विकल्प को देख लीजिए, सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे, सभी पौधों में पीलेपन को लिए हुए हरे बीज से। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये वाला, ज्यादातर पौधों में पीले बीज थे, ठीक है। हम लोग इस चीज पे डिस्कशन करेंगे आगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन से पदार्थ पीने में घुलते हैं, ठीक है। तो ए है यहाँ पे पानी में, मतलब जो पानी में घुलते हैं, पीने में नहीं, सॉरी लिक्विड में जो डिजोल्व हो जाते हैं। पहला है कि दूध, चीनी, शहद। दूसरा है कि तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। और तीसरा है कि केरोसिन, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, नमक, साबुन। और डी है कि चीनी, सिरका और नमक, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इसमें सीधा सा है, ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा। आप जानते हैं चीनी घुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिरका और नमक यही होगा। चीनी और नमक तो घुल ही जाते हैं, सिरके में थोड़ा होगा, मिट्टी का तेल नहीं घुलता, आपने कई बार देखा होगा। पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो है इसमें दूध और चीनी की बात ठीक है, शहद की बात आती है जो पूरी तरह से सोलेबल नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, बहुत सरल था। यहाँ पे एक स्थान, खाली स्थान दिया गया जिसको भरना है ना, ये अंतिम में दिया गया है। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, बोरवेल बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं, या फिर हैंडपंप बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि इसको जो है स्ट्रिप वेल बोलते हैं, यानी बावड़ी, जो क्योंकि ट्यूबवेल, बोरवेल और हैंडपंप ये तो पानी निकालने के हैं। ये जो बी वाला यहाँ पे लिखा है, मतलब ये बावड़ी जो लिखा है, ये आपका जल के संचय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्री के बारे में निम्न में से क्या सही है। पानी के नल से सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, एक जगह पर टिककर रहने के लिए अपने अपने को मतलब बेल्ट से बांधे रहते हैं, और डी है कि खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो स्पेस होता है, स्पेसशिप होती है, आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी, मार्स देखी होगी, मार्शियन देखी होगी, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सी आई है, एक तो पूरी सीरीज ही थी स्टार वार। तो एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि स्पेस में जो होता है, ग्रेविटी नहीं होती, जीरो ग्रेविटी में आप ना कोई भी चीज खाएंगे पिएंगे, वो एक स्टेबल, जरूरी नहीं कि नीचे ही जाए, तो वो कहीं भी दिशा में जा सकती है ना। तो यहाँ पे आप सी वाला विकल्प देखिए, एक जगह टिक कर बैठते हैं, सीट बेल्ट पहन के, ठीक है, बांधे रहते हैं ना, नल से भी पानी पिएंगे तो ऐसा क्या थोड़ी है कि वो पानी जो नीचे ही आए, कहीं भी बूंद बूंद बन के फैलने लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इस साइंस की एक अगर आप लोग की डिमांड होगी तो एक पूरी सीरीज ही लाएंगे, जैसे कि मटर वाला था और ये वाला था, तो वहाँ पे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो आपको अगर साइंस के बारे में समझना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे जो साइंस का पापा वीडियो पड़ा है पीसीएस वगैरह के लिए, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको नए सिरे से यहाँ पे हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। नीरज चोपड़ा है, लवलीना है, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन है, साक्षी मलिक है, दीपा मलिक पैरा, यहाँ पे जो अंतिम है दीपा मलिक है, ये पैराथलीट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि धैर्य और दृढ़ निश्चय। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई खिलाड़ी जो है धैर्य और दृढ़ निश्चय के बिना है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इन सब में और दीपा मलिक में जानते हैं आप क्या अंतर है, ये पैरा एथलीट है, देखिए नाम भी लिखा है, यानी कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से जैसे कि बोल सकते हैं कि ये स्वस्थ नहीं है या दिव्यांग है। अगर इनकी अगर आप बात करें तो इनको कई बार मेडल मिल चुका है, पैरा ओलंपिक खेलों में इनको पदक मिला है कई बार, और ये पहली भारतीय महिला है इस तरह के खेल में जीतने वाली। 2016 के जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था वहां पे भी इन्होंने पदक जीता था, 2018 में भी जीता है, 2017 में इनको पद्मश्री दिया गया है, 2019 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और 2020 में ये पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी चुनी गई है। तो यहाँ पे इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, बस ध्यान देना है कि इसमें अलग क्या है और क्यों ऐसी बात की जा रही है, अगर इतना आप समझ गए तो कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों
कि कला कार्य को संग्रहित किया, ठीक है, संग्रह किया। हरप्रीत ने संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए, इन्होंने जो संग्रह किया उसमें से विकल्प दिए गए क्या किया, क्योंकि कलाकृतियों की बात हो रही है। विकल्प आपके सामने है, पटचित्र, कलमकारी, मधुबनी, ये सब पेंटिंग पेंटिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है कि फुलकारी, कलमकारी, मधुबनी। उसके बाद आता है कलमकारी, पटचित्र, बरवली, ठीक है, वर्ली पेंटिंग है एक प्रकार की, फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। तो अगर यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे क्या है, बिहार और पंजाब और महाराष्ट्र की यात्रा पे गई थी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट की कौन सी पेंटिंग है। तो अगर आप बात करें तो इसका विकल्प मैं बता दे रहा हूँ आपको, विकल्प इसका जो सही है वो है डी है होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विकल्प के अतिरिक्त, तो आप जानेंगे कि पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की जो खासियत है वहां पे देखेंगे तो इसमें एक फुलकारी, मधुबनी आप सभी जानते हैं कहां से संबंधित है, ठीक है, मधुबनी आप बिहार इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। फुलकारी और वर्ली, वर्ली देखिए महाराष्ट्र से है, फुलकारी जो है पंजाब से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत फेमस चित्रकला है, आपको जीएस और जीके में इस तरह की चीजें प्राय पूछी जाती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 है कि एक अलग राज्य से एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। विकल्प को आप देखें कि स्थानीय छात्रों को नए छात्रों के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें, ठीक है। बी है कि कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उनसे उन्हें कैसे संभाल के उसके बारे में चर्चा करें। अगला विकल्प है कि कक्षा में बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, विकल्प बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन धैर्य के साथ पढ़ना है। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं और क्या हो कि वे नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा है कि लेकिन आप यह एक चीज प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि एक नया छात्र है ना, तो कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन और उन्हें कैसे संभाला जाए इसके बारे में चर्चा हो, ठीक है, यही यहाँ पे उपयोगी होगा विकल्प बी। बहुत शांति से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषताएं सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है बिना बोले संचार के, जैसे कि GIF, ठीक है। ये हर एक दो साल में पूछ लिया ही जाता है, इसलिए ये आपको याद ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बिना ऑडियो के वीडियो जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। विकल्प को एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, विकल्प आपके सामने है कि नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषक होते हैं उसकी पहचान करना, बी है कि विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, अगला विकल्प है कि जन्म देने वाले और अंडा निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद है कि बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। अब इतना पढ़ने के बाद प्रश्न को देखिए, संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, तो जो ये संरचना है वो उसके बारे में बताता है डिटेल से, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कठिन है कि चोंच देख के उसके पक्षियों के बारे में बता लेंगे। यहाँ पे जो पहला विकल्प है एकदम क्लियर है कि नदी का रंग देख के उसमें मौजूद प्रदूषकों को पहचानना, जैसे नदी का रंग नीला है तो वो देखेंगे कि जो शुद्ध पानी की निशानी है, काला है या दूषित है तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि भैया इसमें प्रदूषक है और ये दूषित जल है ना, तो इसमें विकल्प ए जो है सबसे रेलेवेंट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विकल्प को देखिए, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन और के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करता है, ठीक है, मतलब जो पारंपरिक शिल्प पे जो पतन है उसमें आजीविका जो शिल्पकार है उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा होगा, ठीक है, चर्चा की जाएगी। शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधु मक्खी के छत्तों की संरचना बनाते हैं। अगला विकल्प है कि जोड़े में छात्र EVS पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि पाठ के पूरा होने के बाद यानी कि जो भी लेसन है उसके कंप्लीट होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं ना, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो
ये थोड़ा सा लंबा लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे कौन सा सक्रिय शिक्षण में व्यस्त। सक्रिय शिक्षण की सबसे अच्छी एग्जाम्पल, सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने बताया था कि बच्चों को जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चे उसमें रुचि लें, तो जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की व्यस्तता होगी, बच्चे उस पर्यावरण से देखेंगे, वही जो है सक्रिय एक्टिव लर्निंग हो पाएगी। अब इसमें कोई भी विकल्प देखें तो रंगों की सूची बनाने से बढ़िया कि बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है कि छात्र जोड़ियों में मतलब कि ग्रुप बनाए और पारंपरिक शिल्प के पतन, यानी कि जो आप देखेंगे ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसके पतन के कारण जो उनके जो उससे शिल्पकार हैं, यानी कि उस कला में जो अपना जीविका चलाते थे उसके आधार पर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव लर्निंग कर पाएंगे। तो इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 16 है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से, यानी कि जो आप देखेंगे कि डिफरेंसेस है क्लास में, भाई देखो समावेशी शिक्षा की जब बात आती है तो सभी प्रकार के बच्चे सभी वर्ग से बैठेंगे तो उसमें तो भिन्नताएं आएंगी, तो उसको किस प्रकार से जो है ध्यान रख सकती है एक शिक्षिका, तो क्या करेंगे स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, यानी कि भिन्नताएं हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि डेफिसिट है यानी कि अभाव या कोई कमी है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन को अलग अलग करेगी। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजेगी, यानी कि वहां नहीं पढ़ सकते। और कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। देखिए इसमें सीधा सा पता है, इस तरह के प्रश्न हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पे यानी कि समावेशी शिक्षा पे हमने बार बार पढ़ा है, और यही है कि भिन्नता का अर्थ जो है कभी अभाव नहीं होता, भिन्नता को स्वीकार करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। अगर पिछला प्रश्न है उसको ध्यान देंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। सीखने का अनुकूलन माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलावा और मतलब अलगाव है सॉरी अलगाव और रूढ़िवादों को मजबूत बनाना। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सीखने का जो लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो अनुकूल होना चाहिए। विद्यार्थियों का जो यहाँ पे देखा जाएगा कि नामीकरण का मतलब लेबलिंग, ठीक है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अलगाव भी ठीक नहीं है भाई, समावेश में मतलब सभी बच्चे होंगे, रूढ़िवादी को मजबूत करेंगे तो सभी बच्चे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ही सही होगा। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बहुत आसानी से जो है इसको कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति सक्रियशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौती से की जा सकती है। विकल्प है कि लिखित पाठ को समझाना, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, स्थितियों का अवबोधन और समझाना, ठीक है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी एक लंबे समय से यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो होगा बी कि किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। क्या है इसमें, इसमें अति सक्रियशीलता विकार यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज होगा, अटेंशन डेफिसिट इसको बोलते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे कि कहीं पे जो है अटेंशन नहीं हो पा रहा आपका ना, तो उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए बस यही है कि किसी कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, कि बार बार आप करते रहोगे फोकस आपका बनेगा। कभी भी आपका पढ़ने में मन ना लगे तो एक ही पैराग्राफ आपको 2 से 3 बार पढ़िए बिना मन का, चौथी से पांचवीं बार आप देखेंगे कि उसकी जो चीज़ें हैं वो अंदर आपके जाने लगी हैं, समझ में आने लगी हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। विकल्प देखें तो बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग और विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो ये भी आप प्रश्न देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है भाई कि इसमें जो आपका होगा कि भाषा विषयों से उचित छूट, यानी कि जो लैंग्वेज होगा, जरूरी नहीं कि लाद दें अगर बच्चों को मराठी नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, कोई और लैंग्वेज नहीं आ रही, तो उस पर इस तरह का जो है आप बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि समावेशन की बात है तो हर वर्ग के विद्यार्थी वहाँ पे रहेंगे, हर तरह के विद्यार्थी रहेंगे। अगला प्रश्न है कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का इस्तेमाल करना चाहिए। विकल्प ए है अध्यापन व मूल्यांकन के लिए, बी है केवल अध्यापन के लिए, सी है केवल मूल्यांकन के लिए और डी है प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इस तरह के लिए वायोगी से संबंधित कई प्रश्न किए हैं, तो इसका सही उत्तर आपका होगा अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित
में से किसके समावेशन में सहायता मिलेगी या मदद मिलेगी। विकल्प को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप विकल्प को देखेंगे तो विकल्प में है कि वे विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित हैं अथवा, ठीक है, अगला प्रश्न है इसी में विकल्प है कि वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति सक्रियशीलता का विकार है, ठीक है। तीसरा है कि जिन्हें प्रमस्तकीय घात है, इसी में है कि असाधारण प्रतिभा वाले छात्र हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें इस विकल्प में आपको थोड़ा सा और घुमा दिया है, क्या एक सही है, एक या तीन सही है, या इस तरह से जो है एक दो तीन सही है, चारों सही हैं। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें जो जितने भी विकल्प दिए गए हैं, वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, सहायक तकनीकों की पहुंच अनुकूलन करने के लिए समावेशन में मदद मिलेगी, यानी कि समावेशन में मतलब विविधता होगी, ठीक है, अति सक्रियशीलता से है ना, अटेंशन डेफिसिट की बात हमने की। इसमें तीसरा है कि जिन्हें प्रमस्तकीय घात है, तो असाधारण प्रतिभा वाले, तो यानी कि सारे स्टूडेंट इसमें शामिल किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता से, दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ए है कि प्रतिभाशाली आसन और बहुत सी सरल सामग्री देना। दूसरा विकल्प है कि स्वालीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। तीसरा है कि पठन वैकल्य यानी कि डिसग्राफिया, पढ़ने में जो समस्या होती है, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। और डी वाला है कि वाक हानि यानी कि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए जो है पर्याप्त होना। तो अब इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये एक अलग तरह का प्रश्न है, लेकिन इसका जो उत्तर आप देखेंगे वो ये होगा कि वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि दिव्यांगता और संबंधी विद्यार्थियों के समावेशन यथोचित, मतलब उनके लिए जो संयोजन की रणनीति है वो सही युग्म को यहाँ पे चुनना है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सब में क्या है कि आसान को बहुत सरल सामग्री देने से नहीं होगा, यहाँ पे ऑटिज्म की बात हो रही है, स्वालीनता को ऑटिज्म बोलते हैं, लेकिन इस यहाँ पे जो बात आ रही है कि दिव्यांग बच्चों की बात आ रही है, तो वाक जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं उनके साथ धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देना यहाँ पे सही विकल्प होगा, ठीक है। दिव्यांगता को ध्यान देंगे, ये अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे बात हो रही है, ये अलग प्रकार के डिजीज है। प्रश्न नंबर 23 है कि अधिगम तब प्रभावी होता है, यानी कि इसमें पूछा है कि कब होगा, यानी जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, और डी है कि विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अधिगम मतलब जो आप बता रहे हैं कि लर्निंग इफेक्टिव कब होगी, भाई लर्निंग इफेक्टिव तब होगी जब बच्चे क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर उनको प्राप्त होगा, यानी कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको गोल मिलेगा, और उसमें जो सीखने की प्रवृत्ति रहेगी, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, उनको खुद से उत्साह मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। प्रश्न नंबर 24 है कि शिक्षण अधिगम का संरचनावादी दृष्टिकोण है, इसी में एक विकल्प सही होगा। सूचना की निष्क्रियता प्राप्ति पर जोर देता है, इसी में दूसरा विकल्प है कि बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, यानी आईक्यू स्कोर को। सी है कि अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, और अंतिम विकल्प है कि क्रमोदेशित निर्देशन निर्देश के उपयोग पर केंद्रित करता है। अब यहाँ पे अगर आप सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पे सी वाला होगा कि अधिगम को अर्थपूर्ण निर्णय प्रक्रिया के रूप में देखता है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो अधिगम है, शिक्षण है, वो रचनावादी की यहाँ बात है कि जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है। तो अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो रचनावादी जो दृष्टिकोण है या शिक्षण पे है वो विश्वास पर आधारित है, यानी कि सीखना तब होता है जब विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के विपरीत क्या करता है, ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ए है यह सीखना और किसे सिखाना है, ये चीज मतलब स्पष्ट करती है, लर्निंग टू लर्न, रटकर सीखने की प्रक्रिया पे, या फिर पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि को लेकर, या फिर मानकीकरण यानी कि ये जो एक स्टैंडर्ड को सेट करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का जो हमने पहले भी ये देखा है, इस तरह के प्रश्न किए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि बदलाव के प्रस्ताव की बात हो रही है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी ओर बदलाव करती है, यानी कि जो चीज़ गलत है वो आप अगर पकड़ पाएंगे तो अपने आप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह सीखना और कैसे सीखना
उसकी बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षाएं 2020 जो है लर्निंग पे ज्यादा फोकस करती है, ना तो रटने पे, ना पाठ्यक्रम की सामग्री की वृद्धि पे, ना कोई स्टैंडर्ड सेट करने पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।